दोस्तों आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि मैजिशियन टीवी शोज में बगैर देखे ही पत्ते को पहचान करके सामने के एंकर को हैरान कर देता है। तो आज के वीडियो पूरा इसी पे आधारित है। फौजी कार्ड में भी मैजिशियन कैसे पत्ते को बिना देखे ही पहचान लेता है, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वैसे भी मैंने ऑलरेडी 13 तरह के ऐसे कार्ड के बारे में बता चुका हूं जिसके पीछे में कोड रहता है और उसे कैसे पहचानते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड के डेक को लेता हूं और इसे करता हूं मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसे फिर से दोबारा मिक्स करूंगा। यहां मैं इसे मिक्स अच्छी तरह से कर दिया और फिर इसे मैं मिक्स करता हूं, और यहां से कोई भी एक कार्ड मैं निकालूंगा रेंडमली, कोई भी एक कार्ड। जैसे कि मैंने इस कार्ड को बाहर निकाला और हमें पता है कि ये कार्ड का नंबर बादशाह है, इसका नंबर बादशाह है देखिए, और इस वाले कार्ड का नंबर गुलाम है, यानी यह गुलाम है। तो इस तरह से कोई भी कार्ड मैं इससे निकालूंगा और बता सकता हूं इजीली। जैसे मैंने एक कार्ड यहां पे रखा और एक कार्ड यहां पे रखा, तो हमें पता है कि दोनों कार्ड सेम टू सेम है, ये भी बादशाह है और ये भी बादशाह है। तो दोस्तों ये कैसे संभव है कि बगैर देखे ही मैजिशियन पता कर लेता है कि कौन सा कार्ड है, इसका क्या नंबर है और कौन सा कार्ड बड़ा है, कौन सा कार्ड छोटा है, यह तक पता लगा लेते हैं। तो मैजिशियन के पास ऐसा पावर आता कहाँ है? अगर यह ट्रिक आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं एक बार और यहाँ पे गौरव को बोलूंगा कि आप कहीं भी उंगली रखिए, यहाँ पे उंगली रखा गौरव ने। अब हमें पता नहीं है कि ये कौन सा कार्ड है, लेकिन गौरव ने उंगली रखा है तो हमें यह जानकारी है और हमें यह दिख रहा है कि यह 6 नंबर का कार्ड है। तो यह 6 नंबर का कार्ड वास्तव में है, बगैर देखे ही हमने सब कुछ बताया है। दोस्तों चलिए बताते हैं अब कि यह ट्रिक कैसे किया जाता है, और इसका आप सामने में वीडियो को रोक करके देखिए, किसी में कोई डिफरेंट पता नहीं चल रहा होगा। चलिए बताते हैं इसका क्या रहस्य है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक से लेकर के टोटल 13 तरह के नंबर का कार्ड बाहर निकाल लेता हूं। जैसे यहां पे 2, 3 और टोटल एक से लेकर के 13 तरह का कार्ड को मैं बाहर कर लेता हूं बादशाह तक का, और फिर बारी बारी से बताऊंगा कि कैसे इसको पहचानते हैं और इसका क्या रहस्य है और क्या टेक्निक है। यहाँ 7 हो गया और फिर 8। तो मैंने 21 से लेकर के बादशाह तक का टोटल कार्ड बाहर कर लिया हूं। अब मैं यहां पे ये डिसाइड करूंगा कि कैसे इस पत्ते को पहचानते हैं और इसका पहचानने वाली कोड कहां होती है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें एक स्पेशल कोड रहता है जिसे रीड करके पहचानते हैं, तो उसी पे आधारित यह है। हालांकि यह उस तरह से प्रिंटेड नहीं है, लेकिन यहाँ एक जिमिक तैयार किया गया है जो कि घर पे तैयार किया जा सकता है। कोई भी अगर आप मैजिक दिखाना चाहते हैं तो उससे पहले आप इसकी प्री प्लानिंग करके आप तैयार कर सकते हैं और लोगों को चौंका सकते हैं कि आपने एक नॉर्मल कार्ड से पत्ते पहचान करके दिखाया है। तो यहाँ यह 21 है, तो 21 वाले कार्ड को देखिएगा कि इस कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बीच वाली लाइन है और ऊपर वाली, बीच वाली लाइन दोनों मैच करती है। जैसे अगर इस कार्ड को इधर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फौजी है उनका ये गन है, मशीन गन कुछ इस पोजीशन में है, और यदि इसे घुमा दिया जाए फिर भी उसी पोजीशन में यह दिखता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करके सेम पिक्चर को ऐसे सेट किया गया है कि पलट करके देखने पर सीधा लगता है यहाँ जो भी फौजी बैठे हुए हैं। अब फौजी के पास में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कुछ और फौजी है, यहाँ कुछ पत्ते हैं, फूल है, घास है वगैरह वगैरह। लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ पे फौजी रहते हैं वहाँ पे कुछ पत्थर या कुछ बोरा ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पे पत्थर है तो इसी पत्थर में हमें स्पेशल डॉट लगाने हैं। जैसे इसी पेन से स्पेशल डॉट लगेगा यहाँ पे, जैसे देखिए ऐसे डॉट लगा इसमें यहाँ, तो ये है परमानेंट मार्कर, परमानेंट मार्कर है और यह पतला वाला है। इसी से स्पेशल निशान इस तरह से लगाते हुए जाएंगे, हमें अगर इतना दिखेगा तो उस हिसाब से इतना पतला, और थोड़ा सा हमें अगर
मोटा चाहिए तो थोड़ा सा इसको ऐसे मोटा बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्का है तो हमने कैसे इसका चिन्ह लगाया है, यहाँ एक नंबर पे है ये पहला पत्थर यहाँ से शुरू होता है तो एक नंबर पे हमने एक छोटा सा डॉट यहाँ पे देखिएगा ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ है और इधर से भी आप देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का डॉट हल्का सा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर वाली पत्थर पे यहाँ से मैंने एक शुरू कर दिया है और इसको दो और इसको तीन फिर इसको चार और इसको पाँच ऐसे करके मैंने आगे बढ़ा है तो एक नंबर वाली के लिए यहाँ पे लगाया तो यह हो गया इक्का। अगर इस कलर का मिल जाए मार्कर तो अच्छा रहेगा, जिस कलर का ये पत्थर है उसी कलर का मार्कर मिलेगा तो अच्छा है, पत्थर को इसी कलर से जो क्रीम कलर है क्रीम कलर से पूरा को अगर कलर कर दीजिएगा तो और भी परफेक्ट दिखेगा और भी नहीं समझ में आएगा, तो अगर क्रीम कलर का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखिए कि कैसे कैसे आगे बढ़े हैं। अब इक्का के बाद यहाँ एक नंबर का पत्थर है, अब इस पत्थर के ऊपर में ये दूसरा है तो दूसरा के ऊपर हल्का सा डॉट है, यहाँ भी देखिए हल्का सा डॉट है तो अगर इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे दो नंबर पे और इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे दो नंबर पे तो ये दुखी हो गया। ओके, अब यहाँ एक दो तीन, अब तीसरा नंबर यहाँ पे आया है, यहाँ याद करना कोई ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि यहाँ से शुरुआत करता हूँ और ऐसे चला जाता हूँ, इसमें कोई भी कोड याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पत्थर इस तरह से सजाया गया है कि यहाँ पे कोई भी कोड तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ तीन नंबर पे है तो यह टिक्की है। अब तीन के बाद मैं आगे बढ़ा इस तरफ ऐसे घूमते जाना है, एक दो तीन, अब यहाँ पे है ये चार, तो जब भी यहाँ इस चक्का के बगल से शुरू होगा तो चार और चक्का के बगल में यहाँ ख़त्म होगा तो छः, तो ये है चार और यहाँ पे चार के बाद ये है चक्का के ठीक सामने पाँच पंजा और चक्का के नीचे मैंने बताया कि छक्का होता है तो छः नंबर है। अब छः नंबर की जो कार्ड है ये दो बार आ गई है, वही मैं अभी देखा हूँ कि छः दो कैसे आ रहा है, यहाँ पे एक और था सात नंबर यहाँ है तो ए है, तो छः नंबर देखिए यहाँ पे छः नंबर दोनों ही चक्का के नीचे था, यहाँ देखिए इस चक्के के नीचे में और इस चक्के के नीचे में ए वाली है छः नंबर। अब सात नंबर को देख लीजिए, सात नंबर के लिए चक्का के नीचे जब छः है तो चक्का के बाद वाला छः के बाद वाला सात, ये इजली हो याद हो जाता है तो ये सात नंबर की कार्ड है। अब सात के बाद ये भी सात ही है, दो दो बार आ गया है, इसको हटाइए सात, चलिए अब सात के बाद ये है आठ नंबर की कार्ड। अब यहाँ पे याद करना कुछ भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि चक्का के नीचे छः और छः के बगल में सात और यहाँ से जब बड़ा पत्थर से शुरू होगा तो आठ, ये अट्ठा हो गया, अब बड़ा पत्थर के बगल में यह नहला हो गया और नहला के बगल में यहाँ पे दहला, नौ के बाद दस यहाँ से शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रॉपर प्रिंट वाली कार्ड आपको चाहिए, जैसे अभी मैं यहाँ पे जिमिक तैयार किया हूँ इसको डॉट लगा करके, अगर प्रिंटेड में चाहिए प्रिंट किया हुआ तो आप ले सकते हैं हमारे स्टोर से, हमारे स्टोर में इस तरह की बहुत सारी कार्ड है जो मिल जाएगी और आप उसे एक बेहतरीन मैजिक दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसी कार्ड दिखा रहा हूँ जो इसी तरह के प्रिंट में आते हैं, ए वाली कार्ड, यहाँ पे इसको देखिएगा गौर से कितना प्यारा लगता है, इसके इसी में कोड बना हुआ है, यहाँ पे इसी वाले में कोड बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है लेकिन सामने वाले को कुछ ही पता नहीं चलता है, तो इससे भी मैजिक दिखाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही मजा आता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए इसमें, अब इसके बाद ये है दस नंबर की कार्ड और इसके बगल में यह ग्यारह यानी यह गुलाम है। ठीक है, अब गुलाम के बाद यहाँ नीचे में जो पत्थर है इसको बेगम, इसको बेगम के लिए यहाँ इंडिकेट कर दिए, यहाँ देखिए डॉट लगा हुआ, इसमें भी डॉट लगा हुआ है। अब बेगम के बाद बादशाह, जब किसी में भी डॉट नहीं लगा हो
तो वो कार्ड को मैंने बादशाह बनाया है। कहीं भी इसमें डॉट नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ बेगम तक ख़त्म हो जाता है, बादशाह के लिए न्यूट्रल रहने देना है। तो यही टेक्निक है कि फौजी कार्ड में इस तरह से मैजिक कार्ड बनाया जा सकता है। अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो बाउंटन में भी मैजिक कार्ड बना करके दिखाया जा सकता है। तो मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे मात्र 1000 लाइक्स के, जल्दी जल्दी पूरे कर दीजिए और फिर मैं आपको बताऊँगा बाउंटन वाली कार्ड में मैजिक कार्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खेल के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।